देखो पहला तो ये फैक्टर हो गए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के फैक्टर हो गए एक्स प्लस आयोटा बाई एक्स माइनस आयोटा। दूसरा ये कि रूट ए इंटू रूट बी इक्वल टू रूट ए बी इज वैलिड व्हेन एट लीस्ट वन ऑफ ए एंड बी इज नॉन नेगेटिव। यानी ये जो मल्टीप्लिकेशन लिखा हुआ है ना ये वैलिड तभी होगा जब इनमें से कम कोई एक इनमें से कम कोई एक क्या हो नॉन नेगेटिव। जैसे देखो अब आपसे ये कहें कि ये बताओ रूट ऑफ माइनस टू और रूट ऑफ माइनस थ्री कितना आएगा। अब कोई कहे कि सर इसको तो ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो है ना, तो कोई यहां तो इसको कहेगा कि सर ये तो रूट सिक्स हो गया। लेकिन नहीं, अब ये वैलिड ही नहीं है, ये वैलिड नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है? क्योंकि देखो दोनों नेगेटिव आ, दोनों नहीं कम से कम एक, या तो दोनों पॉजिटिव हो ठीक है या फिर उनमें से कोई एक पॉजिटिव हो। लेकिन जब दोनों नेगेटिव हैं तब ये वैलिड ही नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? देखो ये तो हो गया आयोटा रूट टू, ये क्या हो गया आयोटा रूट थ्री, आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वेयर रूट टू इंटू रूट थ्री, ये हो गया आयोटा स्क्वेयर माइनस वन इंटू रूट सिक्स यानी माइनस का। देखो ये वाली साइड तो आई माइनस रूट सिक्स और ये वाली साइड आई थी रूट सिक्स। वॉइस कट गई, वॉइस नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही क्या भाई? चलो ठीक है, मैं रिपीट करूं क्या ये, या आवाज सभी को आ रही थी? ओके ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया। आगे से ये याद रखिएगा कि रूट ऑफ ए, यानी ये इंपॉर्टेंट चीज है काफी, कि ये तभी वैलिड है जब इनमें से एटलीस्ट कोई एक क्या हो नॉन नेगेटिव हो, तभी ये वैलिड है, वरना ये वैलिड नहीं है। और मैंने वो रीजन बता दिया कि वैलिड क्यों नहीं है, क्योंकि वो उधर वाले नंबर तो क्या हो गए, ये दो नंबर तो इमेजिनरी नंबर हो गए। देखो अब आपने क्या किया, ये जो अगर किसी ने ऐसे लिख दिया ना रूट माइनस टू इंटू रूट माइनस थ्री इक्वल टू रूट सिक्स ऐसे लिख दिया, तो देखो आप ध्यान से इधर तो ये इमेजिनरी नंबर, ये इमेजिनरी नंबर ठीक है, और इधर क्या आ गया रियल नंबर ठीक है। तो ये वैलिडिटी तब है जब इन दोनों में से कोई एक क्या होगा नॉन नेगेटिव, दोनों नॉन नेगेटिव हो तब भी हो जाएगा, नहीं तो एटलीस्ट एक नॉन नेगेटिव होना चाहिए। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे, थर्ड पॉइंट देखिए क्या है, थर्ड पॉइंट है इनइक्वालिटीज डज नॉट एग्जिस्ट एग्जिस्ट इन इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर्स में इनइक्वालिटी एग्जिस्ट नहीं करती है। यानी मैं अगर कहूं कि फाइव आयोटा ग्रेटर देन है आयोटा से तो इट इज मीनिंगलेस, ऐसा नहीं होगा, ये गलत है, मीनिंगलेस ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं बोल सकते कि फाइव आयोटा आयोटा से बड़ा होगा, ये भी नहीं बोल सकते कि आयोटा छोटा होगा फाइव आयोटा। तो यानी इमेजिनरी नंबर्स में इनइक्वालिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी। कौन इमेज नंबर में कौन नंबर बड़ा कौन सा नंबर छोटा ये नहीं बताया जा सकता, वी कांट से एनीथिंग। अनुज थालोड क्या बेटा पहली क्लास आज? अनुज अच्छा ठीक है, इससे पहले के दो या तीन लेक्चर हैं तो वो आपको YouTube पे मिल जाएंगे, लिंक भेज देंगे ठीक है, तो वो एक बार देख लेना पहले, वरना ये चीजें समझ में आएगी नहीं जल्दी से। आप
वाई। अरे देखो नंबर तो इमेजिनरी है, अब इमेजिनरी नंबर में इमेजिनेशन में कौन बड़ा? कल भी शायद मैंने आपको बताया था कि मैंने, अब आपने इमेजिनरी नंबर मतलब काल्पनिक नंबर, कल्पना है जो रियल है नहीं। अब कल्पना में तो हो सकता आप मेरे को पढ़ा रहे हो, जैसे आपने अपनी कल्पना करी उसमें आपने ये सोच लिया कि चलो मैं पढ़ा रहा हूँ, यानी आप मेरे टीचर हो, आप मुझको पढ़ा रहे हो, तो वो तो एक कल्पना है, उसमें तो कौन बड़ा कौन छोटा कुछ नहीं हो कह सकता। ठीक है, तो इमेजिनरी नंबर में इनइक्वालिटी नहीं एग्जिस्ट करती, कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा ये भी नहीं बता सकते, और इनमें जब बड़े छोटे को बता ही नहीं सकते, यही रीजन है कि हम इमेजिनरी नंबर को नंबर लाइन पर भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। नंबर लाइन पे तो वही नंबर रिप्रेजेंट होंगे ना, पहले छोटा होगा फिर बड़ा होगा, लेकिन इमेजिनरी नंबर तो यही नहीं बता सकते कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, इसलिए इनको नंबर लाइन पर भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते इमेजिनरी नंबर्स। तो आयोटा का स्क्वायर तो रियल नंबर आ गया ना, फिर रियल नंबर में तो इनइक्वालिटी होती है। अब लेकिन ये कहें कि आयोटा स्क्वायर आयोटा से बड़ा, तो ये भी गलत है, क्योंकि इधर तो -1 है इधर आयोटा है, ये रियल नंबर है ये इमेजिनरी नंबर है। अब रियल नंबर और इमेजिनरी में कौन बड़ा तो वो भी नहीं बता सकते। इनइक्वालिटी किस में होल्ड करेगी? ओनली एंड ओनली रियल नंबर्स के लिए इनइक्वालिटी होल्ड करेगी। अगेन वी लॉस्ट। कनेक्शन बार बार ब्रेक हो रहा है, जो भी लिखा था वो सारा उड़ जाता है। लिख लिया था, चलो अच्छी बात है, लिख लिया था जी। नहीं लिखा था वो क्या करें, ये YouTube पे इसका वीडियो अपलोड करेंगे ना, तो उसमें देख के लिख लेना। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें। पहला पॉइंट तो बताया था, फैक्टर बताया था, पहला पॉइंट तो फैक्टर बताए थे आपको, दूसरा पॉइंट बताया कि, दूसरा पॉइंट क्या बताया था, खुद ही भूल गया। दूसरा पॉइंट बताया था कि इनइक्वालिटी एग्जिस्ट नहीं करती। अब आते हैं, तीन हो गए थे शायद, चौथा पॉइंट था, फोर्थ पॉइंट, तीन पॉइंट हो गए थे ना, देखो जरा एक बार अगर किसी ने लिखा लिखा था तो। ओके चलो फोर्थ पॉइंट पे आए। फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट है कि इक्वालिटी, इक्वालिटी इन कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ थर्ड तो मैंने बता दिया था ना, थर्ड था कि इनइक्वालिटी होल्ड नहीं करती, थर्ड पॉइंट यही था कि इनइक्वालिटी होल्ड नहीं करती कॉम्प्लेक्स, सॉरी इमेजिनरी नंबर में। ये नहीं बोल सकते कि कौन सा नंबर बड़ा होगा कौन सा नंबर छोटा होगा, और यही रीजन है कि हम इमेजिनरी नंबर को नंबर लाइन पर भी क्या नहीं कर सकते, रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये सब समझ में आ गया होगा आपको। चलो फिर अब आते हैं। देखो अब दो नंबर लिए मैंने, लेट जेड वन इक्वल टू ए वन प्लस में आयोटा बी वन एंड जेड टू इक्वल टू
ए टू प्लस आयोटा बी टू आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर, टू कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है. देन जेड वन इक्वल टू जेड, यानी ए वन प्लस आयोटा बी वन इक्वल टू ए टू प्लस में आयोटा बी टू, यानी ये दोनों इक्वल तभी होंगे. अगर कहें कि दो नंबर इक्वल है तो वो नंबर इक्वल तभी होंगे जब उनका रियल पार्ट इक्वल हो, यानी ए वन इक्वल टू ए टू, दोनों के रियल पार्ट इक्वल होने चाहिए और दोनों के इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल होंगे अलग अलग. ठीक है, कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि उन दोनों के रियल पार्ट भी इक्वल होंगे और उन दोनों के इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल होंगे. कोई डाउट इसमें बोलो? इस पे काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे इस एक पॉइंट पे. देखो जरा आप एक क्वेश्चन करते हैं हम इस पे. जैसे ये क्वेश्चन, इफ ए प्लस बी फिर माइनस में आयोटा इंटू थ्री ए प्लस टू बी इक्वल टू फाइव प्लस टू आयोटा, देन फाइंड ए एंड, तो ए और बी को फाइंड करें. ये क्वेश्चन देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, दोनों दो साइड है ना क्वेश्चन में, दो साइड मींस जो एक्सप्रेशन गिवन है हमें उस एक्सप्रेशन की दो साइड, एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड. देखो मैंने इसको ऐसे लिखा a प्लस बी फिर माइनस आयोटा इंटू में थ्री ए प्लस में टू बी, इधर फाइव प्लस में टू आयोटा. अब देखो एक तरफ तो हो गया जेड वन, एक तरफ हो गया जेड टू, यानी अगर मैं ऐसे कहूं कि ये पूरा का पूरा इधर वाला तो पूरा जेड वन है, ये वाला पूरा जेड टू है, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वली तो दे रखे हैं. अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल दिए हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे, जब उनके दोनों के रियल पार्ट आपस में इक्वल हो और उन दोनों के इमेजिनरी पार्ट भी आपस में इक्वल हो. तो बस अब तो कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, करें खत्म. दोनों के रियल पार्ट इक्वल कर दें. देखो रियल पार्ट ऑफ जेड वन यानी इस साइड का जो रियल पार्ट था वो इधर वाले के रियल पार्ट के इक्वल होगा. ठीक है, इसको मिटा देता हूँ. तो इस साइड में रियल पार्ट कितना है, रियल पार्ट कौन सा होता था जो आयोटा के साथ नहीं होगा, जो विदाउट आयोटा होगा वो रियल होता है. तो इस साइड में तो रियल पार्ट कितना है ए प्लस बी इक्वल टू, इस साइड में रियल पार्ट राइट हैंड साइड में कितना है फाइव, इक्वेशन नंबर वन. सिमिलरली वी कैन से इस साइड में इमेजिनरी पार्ट कितना है माइनस का थ्री ए प्लस में टू बी. इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, आयोटा का साथ जो भी मल्टीप्लाई में होता है विद साइन प्लस और माइनस विद साइन वो होता है इमेजिनरी पार्ट. तो इस साइड का तो इमेजिनरी पार्ट माइनस थ्री ए प्लस टू बी, इस साइड में राइट हैंड साइड में इमेजिनरी पार्ट इधर कौन है, इस साइड में, इस साइड में टू आयोटा, टू आयोटा है पूरा पूरा, यानी इमेजिनरी पार्ट टू है, आयोटा का कोफिशियंट टू, थ्री ए प्लस टू बी इक्वल टू माइनस टू, इक्वेशन नंबर टू. बस दोनों को सोल्व कर दें फ्रॉम इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू. इक्वेशन वन और टू को सिंप्लीफाई करें, जब इससे बी की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देते हैं, थ्री ए प्लस में टू इंटू फाइव माइनस ए इक्वल टू माइनस टू, तो थ्री ए प्लस में टेन फिर माइनस का टू ए माइनस टू, थ्री ए माइनस टू ए ये इधर जाएगा तो माइनस ट्वेल्व, ए की वैल्यू तो आ गई हमारे पास माइनस का ट्वेल्व. ठीक है, अब आते हैं हम बी पे. पुट ए इक्वल टू माइनस ट्वेल्व इन इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन वन में पुट कर दें, तो देखो माइनस ट्वेल्व प्लस बी इक्वल टू फाइव, तो बी इक्वल टू सेवनटीन, ये आंसर हमारा. यानी एक माइनस ट्वेल्व हो बी सेवनटीन हो,
अगर मैं ये दोनों वैल्यू इस एक्सप्रेशन में पुट करूंगा तो इसकी दोनों साइडें इक्वल हो जाएगी। इसमें पुट करके देख लो आप ए और बी की वैल्यू, इधर 5 प्लस 2 आयोटा है तो इधर बी क्या आ जाएगा, 5 प्लस 2 आयोटा। समझ में आ गया ये सभी को? समझ में आ गया ना? बोलो, इससे कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो बीबी। ओके अब देखो क्वेश्चन, फाइंड एक्स एंड वाई इफ ये क्वेश्चन। बाकी ये दो इक्वेशन है आपस में, मतलब एक इक्वेशन गिवन है, बाकी इससे एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड। ठीक है, तो मैंने इक्वेशन लिख दी पहले। इक्वेशन क्या लिखी थी, एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस में 2 आयोटा इक्वल टू 5 इंटू में मोड ऑफ एक्स प्लस में आयोटा वाई। ये तो दो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो उनके रियल पार्ट इक्वल होने चाहिए। इस साइड में रियल पार्ट कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 6। इसको बोलते हैं कंपैरिजन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। हमने दोनों साइडों के रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर किया। इधर का रियल पार्ट एक्स स्क्वायर प्लस 6, इधर का रियल पार्ट 5 इंटू में मोड ऑफ, इधर का इमेजिनरी पार्ट है 2 तो इधर का इमेजिनरी पार्ट है y, तो यानी y की वैल्यू तो 2 मिल गई मेरे डायरेक्ट। अब बची x की वैल्यू, तो इसको इधर लिखा x स्क्वायर फिर माइनस का 5 इंटू में मोड ऑफ x प्लस में 6 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो इसके लिए देखो हमें यह पता है कि x स्क्वायर क्या होता है, मोड ऑफ x का होल स्क्वायर होता है। ये मैंने आपको आज कनेक्शन में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, क्या करें आप, क्वेश्चन था कि फाइंड एक्स एंड वाई इफ एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस में 2 आयोटा इक्वल टू 5 इंटू मोड ऑफ एक्स प्लस में आयोटा वाई। तो हमने क्या किया, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो इधर तो रियल पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 6, इधर था 5 इंटू मोड ऑफ एक्स, इधर था 2, इधर था वाई, तो वाई की वैल्यू तो 2 मिल गई थी। फिर एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू मोड ऑफ एक्स प्लस में 6 इक्वल टू 0 एंड वी नो दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, मोड ऑफ एक्स का स्क्वायर होता है, ये मैं बता चुका हूँ बेसिक मैथमेटिक्स में। इसको ये लिख दिया 6 इक्वल टू 0। अब इसको कुछ देर के लिए टी बोल दिया मैंने, मोड ऑफ एक्स को मान लिया टी, तो टी स्क्वायर माइनस 5 टी प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसके दो फैक्टर बन गए, टी माइनस 2 एंड टी माइनस 3 इक्वल टू 0।
और इसको सिंप्लीफाई करूं तो टी इक्वल टू, और अगर सिंप्लीफाई करें टी इक्वल टू टू एंड टी इक्वल टू थ्री, टी की वैल्यू क्या थी, मोड ऑफ एक्स इक्वल टू टू एंड मोड ऑफ एक्स इक्वल टू थ्री, फिर एक्स इक्वल टू प्लस माइनस टू और एक्स इक्वल टू प्लस माइनस, ये आंसर। एक्स की वैल्यू तो क्या होगी, एक्स तो हो गया प्लस माइनस टू कोमा प्लस माइनस थ्री, चार वैल्यू एक्स की, और वाई की वैल्यू एक ही है और वो है टू, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब बताइए कल आपको जो मैंने क्वेश्चन दिए थे सिंगेज पब्लिकेशन के, कुछ क्वेश्चन दिए थे मैंने, उसमें कोई क्वेश्चन अगर आपको पूछना हो तो जो नहीं आया हो, क्वेश्चन नंबर थ्री एंड फोर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, फिर मैं थर्ड क्वेश्चन भी कराया था। थर्ड क्वेश्चन तो वही है जो मैंने लास्ट कल सबसे लास्ट में क्वेश्चन कराया था, स्क्रीनशॉट ले लिया था सबने, स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट। चलो देखो क्वेश्चन है, पहले फोर्थ बता देता हूँ, फोर्थ छोटा सा है, फोर्थ क्वेश्चन था कि आयोटा की पावर वन प्लस टू प्लस थ्री से लेके टू एन प्लस वन तक कितने टर्म्स का सम, तो ये एक एपी है देखो ऊपर आयोटा की पावर, एपी में कितने टर्म्स है, एंड एक प्लस दो प्लस तीन टोटल लास्ट में कितनी, लास्ट में लिखा है टू एन प्लस वन तक, तो टोटल टर्म्स कितनी हो जाएगी, दो तीन चार, देखो लास्ट में है तो आपने कौन सा करते हुए 3.2 के क्वेश्चन दिए थे ना, 3.1 3.1 के थोड़ी दिए थे, 2.1 के दिए थे बेटा, 2.1 के दिए थे मैंने, या मैंने 3.1 बोल दिया था क्या, 2.1 के क्वेश्चन कहे थे मैंने, यार मेरे पास जो बुक है उसमें तो सेकंड चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, मेरे पास जो बुक है सिंगेज पब्लिकेशन उसमें सेकंड चैप्टर है, एडिशन तो मेरे पास पुराना है। कोई नहीं, फोटो भेज देना फिर बता देंगे, अभी भेज दे तो। ओके ठीक है ठीक, अब देखो आगे तो जो एक बार बताया था मैं एक बार वही रिवाइज कराता हूँ अभी तक जो बताया आज, क्योंकि तो आज बीच बीच में कनेक्शन में बहुत दिक्कत आ रही है। सबसे पहला फर्स्ट तो बताया था आपको कि इसके दो फैक्टर होंगे, एक तो x प्लस आयोटा वाई और एक x माइनस आयोटा वाई, पहला पॉइंट ये बताया था। सेकंड पॉइंट बताया था रूट ए इंटू रूट बी, रूट ऑफ ए बी, ये तभी पॉसिबल है जब a और b में से एटलीस्ट कोई एक क्या हो नॉन नेगेटिव। फिर तीसरा बताया था कि इनइक्वालिटी होल्ड नहीं करती है, इनइक्वालिटी नहीं होती किसमें, इमेजिनरी नंबर में। फोर्थ बताया दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे,
जब इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के इक्वल हो, इसका इमेजिनरी पार्ट इसके इमेजिनरी पार्ट के इक्वल, तब वो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, इतना बता दिया था। चलो इस पे भी और क्वेश्चन कर लेते हैं। तो जैसे देखो कि एक क्वेश्चन हो रहा है इसी टाइप का, इक्वालिटी पे बेस्ड, फाइंड एक्स एंड वाई, इफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस में आयोटा इनटू में 2x प्लस वाई और इक्वल टू 2 आयोटा। जैसे ये क्वेश्चन का एक्स और वाई फाइंड करो इसमें, तो करें क्या, दोनों साइडों में रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करें। तो यहां लिखा मैंने कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करें। तो इधर तो एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, इधर तो रियल है ही नहीं ना, तो इधर जीरो, फिर इधर में माइनस में टू एक्स प्लस वाई और इधर, तो बस फिर क्या हो गया, यहां से मिल गया 2x प्लस y इक्वल टू माइनस, और यहां से मिल गया x स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर, x इक्वल टू प्लस माइनस y। तो एक बार तो लेंगे केस पर, व्हेन x इक्वल टू y, देन जब x और y आपस में इक्वल, तो देखो ये कितना हो जाएगा 3x इक्वल टू माइनस टू, एक्स हो गया माइनस का टू बाई थ्री, तो एक्स ये है तो फिर वाई भी क्या हो गया, वाई भी यही होगा माइनस का टू बाई। फिर केस सेकंड, क्योंकि देखो इस बार एक्स और प्लस वाई भी है माइनस वाई भी है, तो एक बार हम वाई लेंगे और एक बार माइनस वाई लेंगे। केस सेकंड, व्हेन एक्स इक्वल टू माइनस वाई, देन जब एक्स माइनस वाई के इक्वल है तो इसमें एक्स की जगह माइनस वाई रखा, देखो y की जगह माइनस एक्स रखते हैं, तो 2x माइनस एक्स इक्वल टू माइनस, तो x की वैल्यू माइनस, ठीक है, और x माइनस टू है तो फिर y भी क्या होगा, y हो जाएगा प्लस। ये आंसर कि अगर x की वैल्यू माइनस टू बाई थ्री है तो y भी माइनस टू बाई थ्री होगा, और अगर x माइनस टू है तो y प्लस टू होगा। कंडीशनल आंसर होंगे कि अगर x ये है तो y ये, और अगर x ये है तो y, ऐसे आंसर। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा आप सभी को। और टेस्ट का सिलेबस एक और दोबारा रिपीट कर देता हूँ, टेस्ट का सिलेबस है बेसिक मैथमेटिक्स, किसी को कोई डाउट इसमें बोलो। ओके, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम तक।